सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली पर कितना असर पड़ा है, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। कोरोना के बीच जारी लॉकडाउन और बंद पड़े शिक्षा संस्थान बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कश्मीर घाटी में भी कोरोना कर्फ्यू के चलते अधिकतर स्कूल कॉलेज बंद हैं। शासन ने स्कूल में नियमित कक्षाएं संचालित करने पर रोक लगा रखी है। 2 साल से बंद पड़े स्कूलों के कारण बच्चों के भविष्य पर भी बहुत असर पड़ा है। घाटी में भी लगातार ठप पड़ी पढ़ाई से चिंतित लोग यह अक्सर सवाल पूछते हैं, आखिर स्कूल कब खुलेंगे। एक और पढ़ाई का नया सत्र शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को थर्ड वेव से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कोविड नियमों में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी दौरान कोरोना काल में उपजी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए शिक्षकों ने अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। कश्मीर में शिक्षकों ने अपने दायित्वों को भली प्रकार से निर्वाहन करते हुए ऑनलाइन क्लास शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही, वहां पर मोहल्ला स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। कुछ शिक्षक तो कठिन और दुर्गम स्थानों पर जाकर घर घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज कश्मीर घाटी में जिस जज्बे से टीचर्स बच्चों के भविष्य के प्रति सजग होकर उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यह सच में तारीफ के काबिल है।